हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग जो है टॉपर्स क्लासेस में ही सीटेट का जो है ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। इसकी सूचना आप लोगों के बीच देनी थी, साथ ही साथ सीटेट का जो है सिलेबस क्या होता है, सीटेट जो है कितने स्तर पर होता है, कौन कौन सा विषय आपको पढ़ना होता है, कौन विषय कितने नंबर का होता है, इत्यादि जानकारी जो है वो आज के वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए, ये जो सीटेट आप देख रहे हैं, सीटेट का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जो भी स्टूडेंट मान लीजिए डीएलएड या बीएड या फिर एमएड वगैरह कर लेते हैं, उनको शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी यानी सीटेट जो है यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो पास करने के बाद ही उनका जो है जॉब हो पाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो डीएलएड कर चुके होंगे, बीएड भी उनका कंप्लीट होगा, लेकिन सीटेट वगैरह जो क्वालिफाइड नहीं होने के कारण उनका जॉब नहीं मिल पा रहा होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग जो है अपने टॉपर्स क्लासेज में ही जो कुपरी में है वहाँ जो है ऑफलाइन बैच शुरू किए हैं सीटेट का। आपको पता होगा सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो दो स्तर पर होता है। कितने स्तर पर होता है सीटेट का एग्ज़ाम? दो स्तर पर। एक तो जो सीटेट का लेवल है वो लेवल प्रथम होता है, यानी सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो दो स्तर में होता है। पहला जो स्तर आपका है उसको प्रथम स्तर बोलते हैं, प्रथम स्तर जो होता है उसको पेपर वन भी बोलते हैं। एक जो होता है उसको स्तर दूसरा बोलते हैं, ये दूसरा स्तर को क्या बोलते हैं? पेपर टू भी बोलते हैं। प्रथम स्तर और दूसरा स्तर यानी सीटेट की जो परीक्षा होती है वो दो स्तरों में होती है। एक तो स्तर प्रथम होता है, स्तर दूसरा होता है। स्तर प्रथम जो होता है वो 150 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है प्रथम स्तर? 150 अंकों का, जिसको पेपर वन बोलते हैं। और ये जो पेपर टू जो स्तर दूसरा आप देख रहे हैं ये भी कुल कितने अंकों का होता है? 150 अंकों का होता है। 150 बोले तो 150 अंकों का होता है। ये जो सीटेट लेवल वन है 150 अंकों का, लेवल टू 150 अंकों का। फिर आप सोचिएगा कि लेवल वन जो है यानी स्तर प्रथम जो है वो हम कब दे सकते हैं और स्तर दूसरा जो है पेपर टू जो है वो कौन दे सकता है? जो भी स्टूडेंट डीएलएड या बीएड कर चुके हैं वो मान लीजिए अगर उनका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ है तब तो आपको पेपर वन ही देना पड़ेगा, यानी सीटेट का जो प्रथम पेपर होता है वो पहला पेपर आप दे सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन क्लियर हो गया है, ऑनर्स कोई भी हो और वो बीएड या डीएड कर चुके हैं, तो वो जो है पेपर वन भी दे सकते हैं और पेपर टू भी दे सकते हैं, यानी स्तर पहला भी आप दे सकते हैं सीटेट का और स्तर दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं। दोनों 150 अंकों का होता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, एग्जाम 150 अंकों का होता है, हमको पास होना है कम से कम, तो पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए? तो क्या है ना, ये जाति के ऊपर जो है आपको पता ही होगा आरक्षण वगैरह भी दिया जाता है। तो वैसे आप जनरल का समझ लीजिए, मान लीजिए आप कोई भी कास्ट है, आप सामान्य से अगर आते हैं, जनरल कोटि से आते हैं, तो जनरल के लिए जो है वो 60% अंकों पर आप क्वालिफाइड हो जाइएगा सीजेट। 60% अगर निकालिएगा तो आपका 90 अंक आएगा पेपर वन में भी और पेपर टू में भी, क्योंकि दोनों जो है वो 150 अंकों का होता है। तो आपको सीटेट क्वालिफाइड होने के लिए अगर आप जनरल कोटि से आते हैं तो 90 अंक चाहिए, यानी 150 में आपको कितना नंबर लाना होगा? 90 नंबर लाना होगा। मान लीजिए आप जैसे ओबीसी में आते हैं, बीसी में आते हैं, या अति पिछड़ा में आते हैं, जनजाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो वैसे स्थिति में जो है आपको छूट दिया जाता है और आप जो है 82.5 या फिर मान के चलिए ना 82 नंबर भी आपका आ जाता है तो आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाइएगा। इधर पेपर वन में भी कितना ले आइएगा? तो 82 ले आइएगा तो सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा। ये तो आप समझे कि सीटेट जो है वो दो स्तरों पर होता है, पेपर वन होता है, पेपर टू होता है। जिसका ग्रेजुएशन क्लियर है वो पेपर वन और टू दोनों दे सकता है, जिसका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैट्रिक करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं और सीधा डीएलएड कर लेते हैं, तो वैसे स्थिति में डीएलएड कर लेने के बाद आप जैसे ग्रेजुएशन आपका क्लियर है नहीं तो आप पेपर वन दीजिएगा। पेपर वन 150 अंकों का होगा, पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। अगर आप मान लीजिए आरक्षण में आते हैं, अति पिछड़ा में या ओबीसी बीसी में आते हैं, तो वैसे स्थिति में 82 नंबर पर भी आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाइएगा। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है वो सीटेट का ऑफलाइन बैच अपने कोचिंग में जो है टॉपर्स क्लासेज में शुरू किए हैं। फिर आप सोचिएगा सर कब से शुरू कर रहे हैं? तो हम लोग जो सीटेट का बैच शुरू कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, सीटेट का बैच हम लोग जो है 5 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। कब से शुरू कर रहे हैं? 5 अगस्त से, पेपर वन के लिए भी पेपर टू के लिए भी 5 अगस्त से शुरू करेंगे सीटेट का बैच। इसमें आपका संपूर्ण सीटेट का जो सिलेबस है, जो भी विषय आपको पढ़ना है, वो सारा विषय जो है विषय विशेषज्ञों के द्वारा, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा जो है वो आपको पढ़ाए जाएंगे।
ये जो 5 अगस्त से शुरू होगा वो 7 बजे सुबह से, 7 बजे सुबह से सीटेट का बैच जो है शुरू हो रहा है। इसमें पेपर 1 भी और पेपर 2 भी जो है वो शामिल है। पेपर 1 जो है, आप सोचिएगा ना कि पेपर 1 में कौन कौन विषय आपको पढ़ना है, पेपर 2 में कौन कौन सा विषय पढ़ना है। तो पेपर 1 जो है यानी स्तर 1 जो है सीटेट का, सीटेट का जो स्तर प्रथम है या इसको हम पेपर 1 भी बोल सकते हैं, ये जो पेपर 1 है, ये पेपर प्रथम बोलिए या 1 बोलिए, ये पेपर 1 150 अंकों का होता है। आपको बताते हैं कौन कौन सा विषय आपको पढ़ना है 150 अंकों में और कौन सा विषय कितने अंकों का होता है। तो विषय का नाम आप पहले देख लीजिए कौन कौन विषय आपको पढ़ना है और कौन सा विषय जो है वो कितने अंकों का होगा। सबसे पहला विषय जो पेपर 1 में आता है उसका नाम आपको पता ही होगा, बाल विकास है। क्या है? बाल विकास। आपको पता है बाल विकास से कितने अंकों का क्वेश्चन आता है सीटेट में? बाल विकास से सीटेट में 30 अंकों का क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आएगा? 30 क्वेश्चन आएगा और आपको एक क्वेश्चन जो है 1 अंक का होता है, मतलब 30 अंक जो है वो आपका कहां से आएगा? बाल विकास से आएगा। दूसरा विषय जो आपको पढ़ना होता है वो भाषा होता है, जिसको बोलते हैं भाषा प्रथम। क्या बोलते हैं इसको? भाषा प्रथम। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा भाषा जो है मतलब प्रथम भाषा में पसंद कीजिएगा लेना। आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं। तो भाषा प्रथम आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा भाषा लीजिएगा। जो भी भाषा लीजिएगा उससे भी कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 30 अंकों का क्वेश्चन आएगा। तो 30 अंक आपका प्रथम भाषा से आ जाएगा। अगला जो तीसरा विषय आपका है वो भाषा द्वितीय, यानी 2 आपका भाषा का पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है। भाषा जो द्वितीय रहेगा उससे भी 30 अंक का क्वेश्चन ही आता है। फिर आप जो है ना, मान लीजिए आप पेपर 1 में हिंदी ले लिए, पेपर 2 में मान लीजिए इंग्लिश ले लिए, तो इंग्लिश आपका, हिंदी आपका 30 नंबर का, इंग्लिश भी 30 नंबर का। कुछ स्टूडेंट है जो अपना इंग्लिश ले लेते हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में मान लीजिए संस्कृत ले लिया, उर्दू ले लिया। तो जो भी आप भाषा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका चौथा विषय है वो गणित एवं गणित शिक्षण है। एक तो गणित है एवं क्या है? गणित शिक्षण। ये गणित एवं गणित शिक्षण जो है ये कितने अंकों का होता है? ये भी 30 अंक का ही होता है। कितने अंक का होता है? 30 अंक का होता है। आपका जो पांचवा विषय इसमें पढ़ना होगा सीटेट पेपर 1 में, वो है आपका पर्यावरण एवं पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण एवं पर्यावरण शिक्षण, ये पर्यावरण एवं पर्यावरण शिक्षण से भी कुल 30 प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन 1 अंकों का होता है, मतलब आप जोड़ के देखिए तो 5 विषय है और 5 विषय से 30-30 अंकों का क्वेश्चन आता है पेपर 1 में। पेपर 1 में कितना विषय है? 5 विषय। बाल विकास, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, गणित एवं गणित शिक्षण और पर्यावरण व पर्यावरण शिक्षण। टोटल क्वेश्चन देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और 30, 150। यानी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 150 प्रश्न का जवाब देना है और एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 1 अंक का होता है। तो 150 अंक का, यानी पेपर 1 कितना का है? 150 अंक का है। आपको पता है ना ये जो सीटेट का एग्जाम होता है, आपको बता दें सीटेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब नकारात्मक जो है वो अंक की कटौती नहीं की जाती है। आपको पता है वो तो बना ही लेना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है वो भी आप बना लीजिएगा, क्यों? क्योंकि गलत होने पर भी आपके जितना अंक आएगा उसमें से आपके अंकों की कटौती नहीं होती, यानी नेगेटिव मार्किंग का जो है वो सिस्टम नहीं है। आपको पता होगा पहले जो सीटेट का एग्जाम होता था वो ऑफलाइन होता था, आपको ओएमआर शीट पे भरना होता था। लेकिन अब इससे पहले जो हुआ था उसमें आप देखे ही थे कि ऑनलाइन से होने लगा है। अब जो 2022 में आपका सीटेट का एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन कहने का मतलब हुआ कि सीबीटी के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? सीबीटी। सीबीटी को बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पे आपका ये टेस्ट होगा। अब जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है सीटेट का। तो सीटेट पेपर 1 जो है उसमें कौन कौन विषय आपको पढ़ना है ये तो आप समझ गए कि 5 विषय है और 5 विषय 30-30 अंकों का, यानी 150 अंकों का। ठीक इसी प्रकार से ये तो पेपर 1 का हुआ। पेपर 2 में आपको क्या करना है, कौन कौन विषय पढ़ना है, कितने अंकों का होता है? अच्छा, इसमें आप ये मत सोचिएगा कि सर बाल विकास में 30 अंकों का है तो क्या इसमें पास होने के लिए इसमें भी 60% चाहिए? नहीं, मान लीजिए बाल विकास में आपका, बाल विकास मान लीजिए अच्छा नहीं, बाल विकास में 10 नंबर आ गया, कोई बात नहीं है। फिर आपको सब में मैनेज करना पड़ेगा, मतलब टोटल जो है आपका 150 में वो बस 90 नंबर आ जाए तो आप क्या हो जाइएगा? सीटेट क्वालिफाइड हो जाइएगा। चलिए आपको बताते हैं कि अब सीटेट पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 में आपको कौन कौन विषय पढ़ना है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जब हम मिटा देते हैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं कि सीटेट पेपर 2 के लिए जो है वो आपको कौन कौन विषय पढ़ना है और वो कितने कितने अंकों का होता है।
तो पेपर वन आप देखें, पेपर वन में आपको बताया पांच विषय है और पांचों विषय जो है वो कुल कितने अंकों का होता है, ये सब तो आप समझ ही गए होइएगा, इसको मिटा ही देते हैं। आइए सीटेट पेपर टू जो है उसमें कौन कौन विषय आपको पढ़ना है, सीटेट का क्या बोलना है, पेपर दूसरा, पेपर जो है वो दूसरा पेपर जो आपका है उस दूसरा पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये समझ लीजिए। पेपर जो दूसरा है, ये पेपर दूसरा में आपका सबसे पहले कौन सा विषय पढ़ना है, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो कौन सा विषय पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है उसका नाम बाल विकास। क्या है, बाल विकास। ये बाल विकास जो है ना वो सीटेट पेपर टू में भी है, सीटेट पेपर टू में भी आपका क्या पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है। आप कहेंगे सर बाल विकास तो पेपर वन में भी था। हाँ पेपर वन में जो आप बाल विकास पढ़िएगा ना वही हूबहू, बस एक दो सिद्धांत आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, पेपर टू में भी बाल विकास वही रहता है। और आपको पता है पेपर टू में भी, सीटेट के पेपर टू में भी बाल विकास जो है वो 30 अंक का ही होता है, जैसे पेपर वन में 30 अंक का होता है ना वैसे ही पेपर टू में भी बाल विकास कितने अंकों का होता है, 30 अंकों का होता है। फिर आपको दूसरा विषय कौन सा पढ़ना है, दूसरा विषय जो है वो भाषा प्रथम आपका रहेगा, भाषा क्या रहेगा, प्रथम। ये भाषा प्रथम जो है वो इसमें आप चूज कीजिएगा ना, अपने हिसाब से आप पसंद कर लीजिएगा कि कौन सा भाषा लेना है, आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, जो भी भाषा आपको लगे वो भाषा आप ले सकते हैं। और जो भाषा आप लीजिएगा वो कितने अंकों का रहेगा, 30 अंकों का रहेगा। आप कहेगा सर ये तो पेपर वन में भी था। हाँ पेपर वन में भी सेम यही था, तो भाषा प्रथम जो है यहाँ भी 30 अंक का होता है। फिर भाषा जो है वो आपका द्वितीय यानी दूसरा भाषा आप जो है यहाँ चूज कीजिएगा, लैंग्वेज सेकेंड, यहाँ भाषा क्या हो जाएगा, द्वितीय। दूसरा भाषा जो आप चूज कीजिएगा वो दूसरा भाषा भी आपका कितने अंकों का होता है, 30 अंक का ही होता है। कितने का होता है, 30 अंक का। ये भी आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं, मतलब 90 नंबर जो है ना सेम पेपर वन के जैसा ही होता है, सीटेट पेपर वन और पेपर टू में 90 नंबर पूरा का पूरा मैच करता है, बस कुछ कुछ सिद्धांत जो है ना उसको अगर छोड़ दिया जाए तो। बस इसके अलावा जो बचता है वो है क्या, देखिए चौथा विषय जो आपको पढ़ना होता है वो आपके ऑनर्स के ऊपर निर्भर करता है। आपको पता है ना पेपर टू आप कब दे सकते हैं, जब आपका ग्रेजुएशन क्लियर होगा। ग्रेजुएशन अगर आपका क्लियर नहीं है तो सीटेट का पेपर टू आप नहीं दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन अगर आपका क्लियर है तो ही आप पेपर टू जो है वो दे सकते हैं। आपका जो अगला विषय है वो आपके ग्रेजुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। अगर मान लीजिए आप आर्ट्स से हैं, आर्ट्स से कोई ऑनर्स किए हुए हिस्ट्री ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, तो वैसे स्थिति में आपका जो है वो सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, यानी पेपर टू आपका किससे हो जाएगा, SST से हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान से हो जाएगा। कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है और वो साइंस से पढ़ा है तो वैसे स्थिति में पेपर टू उसका किससे हो जाएगा, गणित विज्ञान से हो जाएगा। गणित विज्ञान का मतलब समझ रहे हैं ना, गणित विज्ञान का मतलब हुआ कि वो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से था तो उसका पेपर टू गणित विज्ञान हो जाएगा। और आप मान लीजिए आर्ट्स से थे या कॉमर्स से है तो भी आपका SST ही रहेगा। ठीक, तो पेपर टू में जो है वो चौथा विषय जो आपका रहता है वो कौन सा रहता है, तो एक तो यहाँ पे आपका सामाजिक विज्ञान रहता है, और यहाँ जो सामाजिक विज्ञान रहता है आप ऐसे मान के चलिए ना, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारा विषय शामिल रहता है। कहिएगा सर कौन कौन विषय शामिल रहता है बता दीजिए, तो इसमें आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, फिर आपका राजनीति शास्त्र हो गया, इसके अलावा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पर्सन हो गया, वो सारा कुछ इंक्लूड करके जो है वो 60 अंक का रहता है। यानी आपका जो है SST कितने नंबर का रहता है, 60 नंबर का रहता है। इसके अलावा जो है वो आप मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान बैकग्राउंड से नहीं है, आपका मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड है, तो वैसे स्थिति में आपका गणित और क्या रहेगा, विज्ञान रहेगा। गणित एवं क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो गणित एवं विज्ञान हो जाएगा वो भी कितने नंबर का रहेगा, 60 नंबर का। तो ये दोनों में से कोई एक आपका रहेगा, या तो आप आर्ट से होइएगा या साइंस से होइएगा, तो ये दोनों में से कोई एक आपका रहेगा। अगर आप अब कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 30 या 90 और 60, या तो सामाजिक विज्ञान वाला अगर आप आर्ट से हैं तो, या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका 60 जो है गणित एवं विज्ञान वाला। टोटल कितना अंक आया, 150 यानी 150। इस 150 में क्वालिफाइड होने के लिए कितना चाहिए, 90 चाहिए जनरल के लिए। अच्छा आपको एक बात और बता ही देते हैं, आप तो ये समझे ना कि पेपर टू में कैसे कैसे कौन कौन विषय आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसके अलावा देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, जैसे भाषा प्रथम देख रहे हैं, तो पता है भाषा प्रथम में क्या क्या पढ़ना होता है, एक तो 15 नंबर का गद्यांश पदांश रहता है, फिर 15 नंबर का उसका शिक्षण विधि रहता है, बाल विकास पढ़िएगा तो पूरा पूरा बाल विकास ही रहता है, जो आप
प्रशिक्षण में पढ़े होइएगा, डीएलएड या बीएड में पढ़िएगा, सेम वही बाल विकास आपको यहाँ काम दे देगा। इसके अलावा आप सामाजिक विज्ञान जब पढ़िएगा तो कुछ क्वेश्चन तो होते हैं तथ्यात्मक प्रश्न, जो कि पूरा का पूरा जो है वहाँ तथ्य लेके पूछ लेता है, और कुछ प्रश्न होते हैं शिक्षण विधि का, यानी आप मान के चलिए ना 60 में 30 तो आपका तथ्यात्मक रहेगा, 30 आपका क्या रहेगा, वो शिक्षण विधि से संबंधित रहता है कि आप शिक्षण कार्य कैसे करेंगे। तो आप लोग ये तो समझ गए ना कि सीटेट पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है। जो भी स्टूडेंट का ग्रेजुएशन क्लियर है और ट्रेनिंग भी क्लियर है तो वैसे स्थिति में आप पेपर 1-2 दोनों दे सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है, इंटर के बाद सीधा आप डीएलएड कर लिए हैं, तो आप सिर्फ पेपर 1 ही दे सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि सर मेरा ट्रेनिंग जो अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो हम फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही दिए हैं, ऐसे स्थिति में क्या करें। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट का मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, डीएलएड या बीएड कहीं से भी कर रहे हैं, और ऐसे स्थिति में आपका फर्स्ट ईयर का अगर एग्जाम हो गया तो अभी तो फॉर्म भरा नहीं रहा, बस नोटिफिकेशन आया है, और जैसे आपको पता ही है सीटेट का जो वेबसाइट है seated.nic.in, वहां पे जो सभी सूचना आया नहीं कि फॉर्म कब से भराएगा। फॉर्म जब भराएगा आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया है तो आप फॉर्म भर लीजिएगा, अपेयरिंग में डाल के आप एग्जाम दे सकते हैं आपका फर्स्ट ईयर हो गया है तो। अगर आप इसी बार एडमिशन करवा हैं तब तो आप अभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया रहता है वही स्टूडेंट जो है अपेयर हो सकता है। आपका क्वालिफाइड है, ट्रेनिंग क्लियर हो गया तो कोई बात ही रहता, आप आराम से दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखे कि सीटेट जो है वो पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 होता है, पेपर दूसरा होता है, पेपर 1 जो है सो 150 अंक का है, पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, पेपर 2 भी 150 अंकों का ही है, क्वालिफाइड होने के लिए 90 नंबर चाहिए जनरल के लिए, वैसे आरक्षण वगैरह का आपको लाभ मिलता तो 82 पे ही आप पास हो जाइएगा। इसके अलावा आप लोगों के बीच ये सूचना देना था कि मान लीजिए सीटेट है, बिना क्वालिफाइड हुए तो कोई गुजारा है नहीं, ऐसे स्थिति में जो है हम लोग टॉपर्स क्लासेज पुपरी में जो है ऑफलाइन बैच फिलहाल सीटेट का शुरू किए हैं, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। कब से शुरू किए हैं? 5 अगस्त से शुरू किए हैं। टाइम क्या रहेगा उसका? 7 बजे सुबह से रहेगा। आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो अगर आपका है तो दोनों का जो है तैयारी हो जाएगा, पेपर 1 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पेपर 1 का भी हो जाएगा, हमारे यहाँ जो है सभी विषय के विशेषज्ञों के द्वारा जो है आपको सीटेट का तैयारी करवाया जाएगा। तो आप जो है क्या कहते हैं कोचिंग में अगर आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना हो तो आप जो है कोचिंग में आके संपर्क कर लीजिएगा, या फिर आप कॉन्टेक्ट नंबर जो है नोट कर लीजिए, इस पर भी आप संपर्क कर लीजिएगा, तो भी जो है आप इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं, लिख लीजिए 6202165045, या फिर आप दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 7654218440। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो जो है सो आप कोचिंग में आके संपर्क कर लीजिए, आपको पता ही होगा कोचिंग का पता जो है अपना वो टॉपर्स क्लासेज पुपरी नियर ट्रेंड्स मॉल कदम चौक के पास जो अपना संस्था चल रहा है। इसके अलावा जो है हम लोग बहुत जल्द सीटेट का जो है ऑनलाइन क्लासेज भी लेके आएंगे, ऐप का काम चल ही रहा है, अभी ऐप जब बन जाएगा तो आपको प्ले स्टोर पे अपने कोचिंग का ऐप भी मिल जाएगा टॉपर्स क्लासेज कुपरी के नाम से, और वहाँ भी हम लोग जो है सीटेट का कोर्स वगैरह आपको उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा तो वो आपको जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देते ही रहेंगे, और जैसे ही फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा सीटेट का तो हम आपको जो है खुद लाइव आकर के आपको जो है सूचना दे देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।